कढ़ाई की जलाई होगी क्योंकि तुमने पूरी बनाया है तो कढ़ाई जल गई है, इसलिए मैं उसी में सब्जी बना दे रही हूँ। सब्जी में बन रहा देखो आलू परवल टमाटर, तो ये सब्जी बन रहा है और इसके बाद मैं बहुत अच्छा क्राफ्ट लेके आने वाली हूँ। उसके बाद फटाफट मैं बनाऊँगी क्राफ्ट, तो जल्दी से मैं सब्जी बना लेती हूँ। दाल मैंने बना लिया, दाल मेरा हो चुका है फ्रेंड्स। फाइनली मेरा खाना बन चुका है और मैंने सारे खाने को बना के रख दिया है क्योंकि मुझे क्राफ्ट दिखाना है आप सबको और आज क्राफ्ट बहुत अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। किस को खीरा चुकंदर और गाजर पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएगा और मैं अभी इसको खाऊंगी खाने से पहले। तो कभी धूप निकल रही है, कभी छांव जा रहा है, कपड़े बार बार अंदर बाहर करने पड़ रहे हैं, तो चलिए तो हो गया मौसम का हाल। एवरीवन आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग और आज के ब्लॉग में आप सबको फिर से क्राफ्ट देखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करती हूँ। तो इसको आप सब अच्छी से पहचानते होंगे, ये वही प्लास्टिक है जो मार्केट में से सामान आते हैं, इसमें इस तरह के प्लास्टिक मैं रख लेती हूँ। मैंने बताया आप सबको कि मैं इस तरह की चीज़ों को रख लेती हूँ, मैं यूज करती हूँ कहीं ना कहीं, तो इसको भी मैंने रख लिया था और देखिए मैं निकाल रही हूँ। इसका बहुत अच्छा कुछ बनने वाला है और आप भी सच में आप पूरा स्किप मत करिएगा ब्लॉग को, पूरा देखिएगा वीडियो और आपको समझ में आइएगा मैं कह रही हूँ। ये देखिए मैंने 1.5 इंच करीब चौड़ा पट्टी निकाल लिया और इस प्लास्टिक का नाप मैं क्या बताऊँ, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको जब एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, अपने जगह के हिसाब से, आप अपनी जगह के हिसाब से बना लोगे तो आप बस देखते जाइए। मैंने काफ़ी कुछ अच्छे से आज समझाने की कोशिश किया है आगे, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप सब कहोगे बहुत बकबक मैं करती हूँ, तो बकबक नहीं करूँगी और चलिए मैं शुरू करती हूँ इसका। मैं सबसे पहले इसमें पॉलीथीन में जो मैंने काट के रखा पट्टी, इसमें मैं लगाऊँगी पाइपिंग और आगे देख लेंगे आप सब कि मैं कैसे लगा रही हूँ। एक एक चीज़ आप सबको मैंने समझा दिया है, तो चलिए शुरू करती हूँ आगे। और अब इसको मैं दूसरी वाली को इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी और सिलाई करने के बाद फिर मैं साइड में पूरे में पाइपिंग लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने ये स्टिचिंग यहाँ पे कर लिया, देखिए दिख रहा है थोड़ा सा चमक रहा है दिख रहा ना, ये देखिए कर लिया है और फिर अब मैं पूरे में पाइपिंग लगा के आपको दिखाती हूँ और कैसे और लगा रही हूँ, क्यों इसको मैंने बनाया है अभी आगे पता चल जाएगा। तो देखिए ये सब बन के रेडी हो गया, इसमें भी लग गया है और ये छोटे वाले में भी लग गया है और इसमें भी लग गया, देखिए कॉर्नर बन गया है। और एक मैंने ये पट्टी बना के रख ली है, अभी दिखाती हूँ उसका आगे क्या करना है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ ज्वाइंट करूँगी इस तरह से और इस तरह से, तो ये देखिए मैंने साइड से सिल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर आधा इस तरह से लगा के यहाँ पे मैं करूँगी सिलाई। तो ये देखिए एक पॉकेट ये बन के रेडी हो गया है।
और दूसरे को फिर लगाना है इस तरीके से। एक सिलाई पहले इसको इससे मिला देना है और दूसरी सिलाई इस पे कर देना। इतना करने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखिए इतना बन चुका है और इस तरह से गैपिंग आ गई है। इसका क्या बनने वाला है आप सब बताइए जरा फटाफट। तो अब मैं इसको इस तरह से रख दूंगी। जगह थोड़ा छोटा है, एक मिनट में थोड़ा सेट करती हूँ। चलिए दिख रहा है तो बस एक सिलाई यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। ये सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसका क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पिन लगा लिया है और आप सबको क्लियर दिख सके। इस जगह पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी, फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इतना लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इसके छोटे छोटे इस तरह से पट्टी बना के रख के मिलती हूँ आपको, दिखाती हूँ मतलब। ये बन के रेडी हो गया, मैं भी दिखाती हूँ। और यहाँ मैं एक छोटा सा लगाऊंगी बो। ये मैं बो के लिए निकाली हूँ। हाँ, मैं एक बात आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल देखिए फ्री आप कास्ट बना, वेस्ट मटेरियल से बना है और कुछ भी इसमें मैं लाई नहीं खरीद के, सब घर में पड़ा ही था सामान। और आपके पास ज़रूर पड़ा होगा, मशीन चलाने में चलने में भी कोई दिक्कत नहीं। आपके पास नॉर्मल मशीन है उसमें भी चल जाएगा ये, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से सुई इस पे चली है, कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे बनाने में कोई। तो आप भी बना सकते हैं और आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ रख सकते हैं। और आजकल सबके पास सामान ज़्यादा होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जब मैं इतना नहीं आता मेरा सामान, मतलब कॉर्नर वाला जो सेल्फ होता नहीं होता, तो मुझे लगता है किसी का नहीं पूरा होता होगा। कुछ ना कुछ दो चार चीज़ों से अच्छा एक आप इस तरह से बना लेंगे तो काफ़ी कुछ सामान इसमें आपका आ जाएगा और बहुत अच्छे से आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने प्यारा सा वो भी बना दिया इसमें और लगा दिया है, वो को लगा रही हूँ मैं। और आगे मैं इस और इस चीज़ का बना के दिखाऊँगी कि आप का मतलब जो ऐसे एरिया में जहाँ सामान आपके पास ज़्यादा होते हैं, जगह कम होते, वहाँ के लिए। तो आगे मैं आप सबको फिर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब इसको मैं हैंग करके दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए मेरा बनके रेडी हो गया और कहाँ के लिए मैंने बनाया ये आपको सबको समझ में आ गया, चूँकि मैं एक हाथ से बना रही हूँ, अरे सॉरी एक हाथ से कैमरा मोबाइल ली हूँ तो उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है और दिखा भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप सबको दिखा दूँ। और अगर मैं जब तक दिखा रही हूँ अगर प्रभु आ जाते हैं तो अच्छी बात है, मैं दिखा दूँगी आपको पूरा फिर से। और देखिए सारा मेरे यहाँ के मेरे बाथरूम के सारे सामान उसमें आ गए हैं और मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि मुझे क्या रखना है कैसे रखना। और ये मार्केट में जो कॉर्नर सेल्फ मिलते हैं ना एकदम बेकार होते हैं, एक तो इसमें जंग बहुत तेज़ी से लगता है, सामान भी गिरते रहते हैं, छोटे छोटे सामान भी गिरते हैं और सामान भी पूरा नहीं आता, कितना आप अपने बाथरूम में ठोक लोगे समझ में नहीं आता। और एक आध चीज़ मैंने मंगाया भी है ऑनलाइन तो बिल्कुल बेकार हो लटकता लगता अभी गिर गया उसको बार बार चिपकाना छोड़ देता है, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। एक तो फ्री आप कास्ट बनने वाला है, कम पैसे में अच्छी चीज़ है और आपका मन चाहे जब मन किया आपने चेंज भी कर दिया। और देखिए प्रभु की आवाज़ आ रही नीचे, ठीक है प्रभु आ रहे हैं तो मैं पूरा आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आपके पास ये इस तरह के प्लास्टिक मार्केट में मिलते भी हैं और बहुत से ऐसे सामान हैं जो आते हैं तो उनका यूज कर सकते हैं। नीचे देखिए टक क्लीनर का भी मैंने बना रखा है और एक हाथ से ना थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो भी बना रखा है। नीचे ऊपर ब्रश रखने का भी जगह बना है, पेस्ट रखने का, पूरा ए टू जेड इसमें सामान आ गया और बहुत अच्छे से मेरा उस सेल्फ उतर का खाली हो गया था, मैंने रख दिया जो सामान इसमें, ठीक है। तो एक हाथ से नहीं ये डिब्बे भी उठा के मैं रख देती, एक हाथ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और आप अपने नीचे वाले टोटी में भी लगा सकते हैं जहाँ से पानी बाल्टी में भरते हैं, लेकिन मैंने लंबा बनाया। गीजर कोई ज़रूरी नहीं कि सब जगह होता ही है, सब लोग गीजर रखते हैं रेंट पे सुनी ज़िंदगी, जब लाइफ शुरू होती है तो गृहस्थी बहुत छोटी होती है तो हमने भी कभी उस चीज़ों को देखा है, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत काम की होती हैं। तो आप सब ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये क्राफ्ट। प्रभु आ गए तो चलिए फिर से दिखा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मेरा क्राफ्ट आप सबको कैसा लगता है कमेंट जरूर किया करें। तो हम इस पे भी कर सकते हैं लेकिन मैंने लंबा बनाया था क्योंकि सामान ज्यादा है तो मैंने इस पे देखिए हैंग कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सामान इसमें आ रहा है। देखिए एक हाथ से करने में ये देखिए एक में दो वो बनाया था, ये छोटे सामान इसमें डाल दिए, जितना भी छोटा सामान है आपका इसमें डाल दीजिए, ठीक है। पेस्ट और ये मैं दिखाती हूँ रखना, देखिए आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और इस पे पेस्ट के लिए मैंने बनाया, पेस्ट वहाँ रखा है, ठीक है। ये सब आप इस पे डाल सकते हैं, कुछ भी आप सामान इसमें छोटे छोटे जितने सामान हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो हर नए काम की चीज, अब इस रैक की छुट्टी और ये अब मैं आ गई फ्रेंड्स किचन में। मटर पनीर बनना था मेरे यहाँ तो आज खाने में मटर पनीर और पूड़ी बनेगा। सब्जी मैं आपको दिखा दे रही हूँ और इस तरह से सब्जी आप जैसे मैं बना रही हूँ, पहले प्याज डाल के भून ले रही हूँ, फिर से टमाटर डालूँगी, लहसुन डाल दिया और इस तरह से फ्राई करके बनाई, सब्जी बहुत टेस्टी बन रही है और हल्की सी ग्रेवी वाली। दरअसल मुझे पसंद है मटर पनीर, बेटे को पसंद है पनीर दो प्याज है, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया आज, इसीलिए मैं ऐसा सब्जी बना रही हूँ कि दोनों की मनपी हो जाए। तो ये सब्जी बहुत पसंद उसको भी आने वाली है क्योंकि एक दिन मैंने और बनाया था। और इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए क्राफ्ट के साथ। मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।